देश में पहली बार एक साथ 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा होने जा रहा है। इस शुभ अवसर पर आइए देखते हैं आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस पर बनाई गई एक लघु फिल्म। आज हम बात करेंगे आजाद भारत से आत्मनिर्भर बनते नए भारत की। धुआं उड़ाती छुक छुक करती ट्रेनों से लेकर आधुनिक भारत की तेज फर्राटा भरती वंदे भारत एक्सप्रेस तक की। महज 9 से 10 साल पहले तक क्या किसी ने सोचा था कि कभी भारत में वर्ल्ड क्लास स्टेशन होंगे? क्या कभी भारत में भी विदेशों की तरह सपनों की रेल होगी? नहीं ना। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये सपना देखा और बदल डाली भारतीय रेल की तस्वीर और तकदीर। और इसी कड़ी में देश की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन की शुरुआत की, वंदे भारत। 15 फरवरी 2019 को देश में पहली वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई गई और देखते ही देखते देश के हर कोने को वंदे भारत ट्रेनें जोड़ रही हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस इंडिया की फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट की भावना समृद्ध करती है। मुझे खुशी है कि वंदे भारत ट्रेन आज विकास, आधुनिकता, स्थिरता और आत्मनिर्भरता का पर्याय बन चुकी है। आज की वंदे भारत की यात्रा कल हमें विकसित भारत की यात्रा की ओर ले जाएगी। आज वंदे भारत ट्रेन विश्व में आत्मनिर्भर भारत की पहचान है और आज एक साथ 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के शुभारंभ का ऐतिहासिक अवसर आया है। ये वंदे भारत ट्रेनें अमृतकाल में नए भारत के नए जोश, नए उत्साह और नई उमंग की प्रतीक हैं। ये 9 ट्रेनें उदयपुर से जयपुर, तिरुनलवेली से चेन्नई, हैदराबाद से बेंगलुरु, विजयवाड़ा से चेन्नई, पटना से हावड़ा, कासरगोड से तिरुवनंतपुरम, राउरकेला से पुरी, रांची से हावड़ा और जामनगर से अहमदाबाद के बीच संचालित होंगी। इन 9 वंदे भारत ट्रेनों में पहले की तुलना में अधिक आरामदायक सीटें, बेहतर एस्थेटिक्स, बेहतर लाइटिंग, सीट के नीचे चार्जिंग पॉइंट का बेहतर प्लेसमेंट, साथ ही कई अन्य सुविधाओं को भी अपग्रेड किया गया है। ये वंदे भारत ट्रेनें और बेहतर सुविधाओं के साथ यात्रियों को तेज, सुगम और अधिक आरामदायक यात्रा का अनुभव कराएंगी। 11 राज्यों में पर्यटन एवं आर्थिक सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसरों का सृजन होगा। इन ट्रेनों से देशवासियों के लिए अपनी संस्कृति, विरासत और धार्मिक स्थलों के बारे में जानने, वहां तक पहुंचने में आसानी होगी। वंदे भारत ट्रेनें जन सामान्य के बीच अत्यधिक लोकप्रिय हैं और अब तक 1 करोड़ से अधिक यात्री इन अत्याधुनिक ट्रेनों में सफर कर चुके हैं। अमृतकाल में वंदे भारत ट्रेनें 140 करोड़ देशवासियों के सपनों का नया भारत गढ़ने में अहम योगदान दे रही है। जय हिंद। और अब मैं परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन करती हूं कि इस ऐतिहासिक अवसर पर अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। इस कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न राज्यों के राज्यपाल श्री, अलग अलग राज्यों में मौजूद मुख्यमंत्री साथी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सदस्य, राज्यों के मंत्री, सांसदगण, विधायकगण, अन्य जनप्रतिनिधि और मेरे परिवारजनों, देश में आधुनिक कनेक्टिविटी के विस्तार का
ये अभूतपूर्व अवसर है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की ये स्पीड और स्केल 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं से बिल्कुल मैच कर रही है और यही तो आज का भारत चाहता है, यही तो नए भारत के युवाओं, उद्यमियों, महिलाओं, प्रोफेशनल्स, कारोबारियों, नौकरी पेशा से जुड़े लोगों की एस्पिरेशंस है। आज एक साथ 9 वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होना भी इसी का उदाहरण है। आज एक साथ राजस्थान, गुजरात, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका और केरला के लोगों को वंदे भारत एक्सप्रेस की सुविधा मिली है। आज जिन ट्रेनों को शुरू किया गया है वे पहले की तुलना में ज्यादा आधुनिक और आरामदायक है। ये वंदे भारत ट्रेनें नए भारत के नए जोश, नए उत्साह और नई उमंग का प्रतीक है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि वंदे भारत का क्रेज लगातार बढ़ रहा है। इससे अब तक 1,11,00,000 से ज्यादा यात्री सफर कर चुके हैं और ये संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। साथियों, देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को अब तक 25 वंदे भारत ट्रेनों की सुविधा मिल रही है। अब इसमें 9 और वंदे भारत एक्सप्रेस जुड़ जाएगी। वो दिन दूर नहीं जब वंदे भारत देश के हर हिस्से को कनेक्ट करेगी। मुझे खुशी है कि वंदे भारत एक्सप्रेस अपने उद्देश्य को बखूबी पूरा कर रही है। ये ट्रेन उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गई है जो सफर का समय कम से कम रखना चाहते हैं। ये ट्रेन उन लोगों की बहुत बड़ी जरूरत बन गई है जो दूसरे शहर में कुछ घंटों का काम खत्म करके उसी दिन लौट आना चाहते हैं। वंदे भारत ट्रेनों ने पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी ला दी है। जिन जगहों तक वंदे भारत एक्सप्रेस की सुविधा पहुंच रही है वहां पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। पर्यटकों की संख्या बढ़ने का मतलब है वहां कारोबारियों, दुकानदारों की आय में भी बढ़ोतरी हो रही है। इससे वहां रोजगार के नए अवसर भी तैयार हो रहे हैं। मेरे परिवारजनों, भारत में आज जो उत्साह और आत्मविश्वास का वातावरण बना है
वैसा पिछले कई दशकों में नहीं बना था। आज हर भारतवासी अपने नए भारत की उपलब्धियों से गौरवान्वित है। चंद्रयान 3 की सफलता ने सामान्य मानवी की उम्मीदों को आसमान पर पहुंचा दिया है। आदित्य L1 की लॉन्चिंग ने हौसला दिया है कि अगर इरादा मजबूत हो तो कठिन से कठिन लक्ष्य को भी हासिल किया जा सकता है। G20 समिट की कामयाबी ने यह विश्वास दिया है भारत के पास डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डायवर्सिटी की कितनी अद्भुत ताकत है। आज भारत के कूटनीतिक कौशल की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। हम हमारे विमेन लेड डेवलपमेंट के विजन को दुनिया ने सराहा है। अपने इस विजन पर आगे बढ़ते हुए सरकार ने संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया था। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के आने के बाद हर सेक्टर में महिलाओं के योगदान और उनकी बढ़ती भूमिका की चर्चा हो रही है। आज कई रेलवे स्टेशनों का संचालन भी पूरी तरह से महिला कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। मैं ऐसे प्रयासों के लिए रेलवे की सराहना करता हूं। देश की सभी महिलाओं को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए फिर से बधाई देता हूं। साथियों, आत्मविश्वास से भरे इस माहौल के बीच अमृतकाल का भारत अपनी वर्तमान और भविष्य की जरूरतों पर एक साथ काम कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक में हर स्टेक होल्डर में तालमेल रहे, इसके लिए पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाया गया है। देश में ट्रांसपोर्टेशन का खर्च कम हो, हमारे एक्सपोर्ट्स की लागत कम से कम हो, इसके लिए नई लॉजिस्टिक पॉलिसी लागू की गई है। देश में ट्रांसपोर्ट का एक माध्यम दूसरे को सपोर्ट करे, इसके लिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर जोर दिया जा रहा है। इन सारे प्रयासों का बड़ा लक्ष्य यही है कि भारत के नागरिक के लिए ईज ऑफ ट्रैवल बढ़े, उसका कीमती समय बचे। ये वंदे भारत ट्रेनें इसी भावना का एक प्रतिबिंब है। साथियों, भारतीय रेलवे देश के गरीब और मिडिल क्लास की सबसे भरोसेमंद सहयात्री है। हमारे यहां एक दिन में जितने लोग ट्रेन में सफर करते हैं उतनी तो कई देशों की आबादी भी नहीं है। ये दुर्भाग्य रहा कि पहले भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने पर उतना ध्यान दिया ही नहीं गया, लेकिन अब हमारी सरकार भारतीय रेलवे के कायाकल्प में जुटी है। सरकार ने
रेल बजट में अभूतपूर्व बढ़ोतरी की है। 2014 में रेलवे का जितना बजट था, इस साल उससे 8 गुना ज्यादा बजट दिया गया है। रेल लाइनों का दोहरीकरण हो, बिजलीकरण हो, नई ट्रेनों को चलाना हो, नए रूट्स का निर्माण हो, इन सभी पर तेजी से काम हो रहा है। साथियों, भारतीय रेल में यात्रियों के लिए अगर ट्रेन चलता फिरता घर होती है तो हमारे रेलवे स्टेशन भी उनके अस्थाई घर जैसे ही होते हैं। आप और हम जानते हैं कि हमारे यहां हजारों रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जो गुलामी के काल के हैं, जिनमें आजादी के 75 साल बाद भी बहुत बदलाव नहीं आया था। विकसित होते भारत को अब अपने रेलवे स्टेशनों को भी आधुनिक बनाना ही होगा। इसी सोच के साथ पहली बार भारत में रेलवे स्टेशनों के विकास और आधुनिकीकरण का अभियान शुरू किया गया है। आज देश में रेल यात्रियों की सुविधा के लिए रिकॉर्ड संख्या में फुट ओवरब्रिज, लिफ्ट्स और एस्केलेटर्स का निर्माण हो रहा है। कुछ दिनों पहले ही देश के 500 से ज्यादा बड़े स्टेशनों के रीडेवलपमेंट का काम शुरू किया गया है। अमृतकाल में बने ये नए स्टेशन अमृत भारत स्टेशन कहलाए जाएंगे। ये स्टेशन आने वाले दिनों में नए भारत की पहचान बनेंगे। मेरे परिवारजनों, रेलवे स्टेशन कोई भी हो, उसका एक स्थापना दिवस जरूर होता है, जन्मदिवस जरूर होता है। मुझे इस बात की खुशी है कि अब रेलवे ने रेलवे स्टेशनों का जन्मोत्सव यानी स्थापना दिवस मनाना शुरू किया है।